हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल पे। हम एक अनबॉक्सिंग लेके आए हैं आपके सामने। फिर से एक वैक्यूम क्लीनर, कार वैक्यूम क्लीनर हमने मंगवाया है, ये यूरिका फोर्ब्स का। तो इसकी अनबॉक्सिंग हम करके दिखाएंगे आपको। ये कुछ डिटेल्स वगैरह हैं जिसकी पिक्स वगैरह हम वीडियो पे शेयर करेंगे आपको, सो दैट आपको क्लियरली विजिबल हो डिटेल्स के बारे में। तो आइए इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं और इसके डिटेल्स के बारे में जानते हैं। तो ये हमने वैसे अमेजोन से मंगवाया है। इसके डिटेल्स के बारे में थोड़ा सा आपको वैसे बता देते हैं। नॉर्मली ये आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लिखा है वैक्यूम क्लीनर फोर्ब्स कार क्लीन के नाम से आता है ये, और फ्लेक्सिबल होज पाइप होता है इसमें, उफोस्ट्री ब्रश होता है इसमें, एक मल्टीपर्पज़ ब्रश होता है 2 in 1, और टोटल क्वांटिटी है 4। इसका स्पेसिफिकेशन रिलेटेड है, अगर आप देखेंगे तो वोल्टेज है 12 वोल्ट्स, यानी कि जो कार का चार्जिंग पॉइंट होता है, जो एक सर्कुलर सिलेंड्रिकल शेप का होता है, वो 12 वोल्टेज का होता है जो कार की आउटपुट देता है चार्जिंग के पर्पज़ से। और इसका अगर पावर देखेंगे तो वो 100 वाट्स के पास है। नेट वेट अगर आप देखेंगे तो इसका अराउंड 850 ग्राम्स का वेट है। और इसकी डायमेंशंस वगैरह लिखा है 300 × 90 × 110 mm, एंड मैक्सिमम रिटेल प्राइस है इसका 2399 इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। तो आइए इसके अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये एक इसका कार क्लीन का गाइड दे रखा होगा इन्होंने। ये एक वारंटी कार्ड है इसका, जो 6 मंथ्स की वारंटी है, लाइक ये 6 मंथ का वारंटी एंड ये 6 मंथ का, 1 ईयर वारंटी। एंड दिस इज आपका मैनुअल के लिए बेसिकली। ये पावर स्विच ऑन ऑफ है, ये इसका हैंडल है, ये इसका डस्ट कप है, ये इसका सक्शन पॉइंट है, सक्शन एंड पॉइंट जहाँ से हम इसको सक करेंगे, जो डस्ट होगा उसको सक करेंगे। यहाँ पे हम देखें, ये सिगरेट लाइटर का दिया हुआ है इसने एक सॉकेट, ठीक है, सॉकेट जो हमारी पिक्चर है जिसके अंदर इसका पावर पॉइंट लगेगा, पावर सॉकेट लगेगा। ये इसका पावर स्विच है बेसिकली, एक इसके हैंडल के पीछे स्विच होगा बेसिकली। एक यहाँ पे दिया हुआ है फिल्टर नेट दिया हुआ है, जो इसका सक्शन बैग है जिसके अंदर डस्ट कैप होगा बेसिकली, एक नो वाटर इनटू डस्ट बैग, ये पानी को नहीं खींच पाएगा, इस तरीके से यहाँ पे मेंशन होगा। और ये जो बाहर डिटेल्स लिखा था, 12 वोल्ट्स, 100 वॉट, 850 ग्राम्स और डायमेंशंस, ये सब डिटेल्स दोबारा से दी हुई हैं, एंड ये वारंटी कार्ड है। तो ये देखते हैं इसके अंदर हमको क्या क्या मिलता है। आप ये देख सकते हैं, एक आइटम ये है, एक आइटम ये है, 3 एंड ये 4, ये इसकी 4 आइटम्स यहाँ पे हमको दिख रही हैं। 1 आइटम विद वायर कनेक्शन, एंड ये एक होज पाइप दिया हुआ है, एक ये कैप दिया हुआ है, और एक ये इसका ब्रश दिया हुआ है जो इसको क्लीन करने के लिए हेल्प करेगा। तो आइए हम इसको खोल के ओपन करके दिखाते हैं आपको। ये बेसिकली एक काफ़ी हैवी है वैसे लुक एंड पर्पस से, ये देखिए काफ़ी अच्छा क्वालिटी का दिख रहा है मुझे ये देखिए, और इधर भी ये काफ़ी अच्छा है। वायर भी काफ़ी बड़ी लग रही है, अराउंड 3-4 मीटर्स या 5 मीटर्स के अराउंड होगा इसका लेंथ। और ये इसका ऑन ऑफ स्विच है बेसिकली, ये इसका सक्शन कप का दिख रहा है, हाँ जी ये इसका सक्शन कप का है बेसिकली, ये इसका सक्शन कप का है, ये इसका डस्ट बैग है, एंड ये इधर से लॉक होता है, यहाँ से इसको लॉक करके हम इसको बंद कर सकते हैं इस तरीके से। ये इसका सक्शन पाइप है बेसिकली जो इसके साथ में आया है। तो ये देखते हैं ये कहाँ पे लगेगा, कैसे लगेगा, अभी हम इसको ट्राई करते हैं और आपको बताएंगे। और इनका यूसेज क्या है,
वो भी हम थोड़ा सा आपको गाइड करेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये हमने इसमें इधर ऐसे फिट कर दिया है, ये देखिए ये ऐसे फिट कर दिया है हमने, और जैसे ही हम इसको ऑन करेंगे, और ये इधर हमने यहाँ पे ऐसे फिट कर दिया है, ये ऐसे सेक्शन दिया हुआ है, यहाँ से हमने इस तरीके से फिट कर दिया है। तो ये हमारी ब्रश है बेसिकली, कहीं पे भी इसको ऑन करके हम इसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ये इस तरीके से है। और इसका एक और ब्रश दिया हुआ है, इसका ये एक ब्रश और दिया हुआ है, ये देखिए इसको, ये एक छोटा ब्रश है बेसिकली, छोटा ब्रश दिया हुआ है यहाँ पे, इसको हम एक छोटा सेक्शन पाइप भी दिया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे इसको हम छोटा ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं इसको, ये देखिए दोस्तों। तो आई थिंक ये कार के लिए तो काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे, अगर आपको इसको नॉर्मली यूज़ करना है तो आप इसको भी डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं, ये देखिए, ये देखिए, अगर आपको ब्रश के साथ इसको इस तरीके से यूज़ करना है तो यहाँ पे इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। और इसकी जो वायरिंग है वो काफ़ी लेंदी है, मैं अगर यहाँ पे इसको देख के बताऊँ तो ये 1 फीट के आसपास में एक सर्कल मूव कर रहा है, अगर मैं इसके अंदर काउंट करके बताऊँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अराउंड 7 सर्कल हैं, तो 7 × 14 14 फीट के अराउंड इसकी लेंथ वायर है, अगर हम देखें तो आई थिंक ये 3-5 मीटर्स के आसपास हो गया नियर बाय, ठीक है, हो सकता है हमारे काउंट में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो, बट अराउंड 5 मीटर्स इसकी वायर है, तो काफ़ी लेंदी है, गाड़ी के हर एक कोने तक ये आराम से पहुंच जाएगा। तो अभी के लिए थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद आप लोगों का, ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर करें सो दैट हमारे न्यू अपडेट्स आप लोगों तक आसानी से मिल सकें। धन्यवाद।